तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RSCIT के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो RSCIT के एग्जाम में आ सकते हैं चैप्टर 4 में से। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि सर्च इंजन होते क्या है। सर्च इंजन वो वेबसाइटें होती है जिनके थ्रू आप कुछ भी चीज़ें सर्च करोगे और वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट जो इंटरनेट पर पड़े हो वो सारी चीज़ें दिखाई जाए। तो हमारे पास में गूगल, याहू और बिंग, ये तीन सर्च इंजन है, जबकि विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है, वहाँ पर आप चीज़ें सर्च नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, वो हुआ ए, विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है कि एक अगर आप नेट यूज करना चाहो तब आप कौन कौन सी चीज़ें यूज करोगे। इंटरनेट सेवा, मॉडम और ब्राउजर, इन तीनों का यूज करना ही पड़ेगा तब जाके आप इंटरनेट तक कनेक्ट हो सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी जिनके माध्यम से आप एक उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुंच सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है। हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है .com, सेकंड ऑप्शन है .edu, थर्ड ऑप्शन है .net एंड फोर्थ ऑप्शन है .org। .com होता है वो एक कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, .edu एक एजुकेशनल वेबसाइट के लिए यूज होता है, .net एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पर जो ऑर्गेनाइजेशन आधारित है उनके लिए जो यूज होने वाला एक्सटेंशन होता है वो होता है .net एंड .org एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कौन सा आंसर गलत है, वो है .net न्यूट्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप क्या है। ISP का पूर्ण रूप मतलब ISP की फुल फॉर्म क्या है। ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉडम का पूरा नाम क्या है। मॉडम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है URL का पूरा नाम क्या है। URL का नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है WWW का पूर्ण रूप क्या है। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट आंसर है बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है न कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। कहने का मतलब एक ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला क्लाइंट कौन सा है, वो है हमारा जीमेल। क्योंकि मैंत्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, राउटर एक हार्डवेयर है, टॉप लेवल डोमेन एक वेबसाइट के लिए यूज होने वाली चीज़ है। तो जीमेल एक ईमेल का क्लाइंट है। इसका करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है DNS का पूर्ण रूप क्या है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है कि आप इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन में भी आप यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, उपयुक्त सभी माध्यम है जिनके लिए हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है, कि कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता। डायलअप, ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई, इन तीनों के माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, जबकि एक डायल डाउन वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें से हमें चूज करना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, एंड हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है
इंट्रानेट एक कंपनी क्या निजी इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इंटरनेट के माध्यम से आप ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट हो सकते हो। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है इंट्रानेट एक कंपनी के निजी इंटरनेट है। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है? इंटरनेट आपका पूरा ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट होता है और इंट्रानेट एक प्राइवेट कंपनी के लिए उपयोग में की जाने वाली चीज़ को बोलते हैं इंट्रानेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, बोथ आर करेक्ट। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिखेगा? वो ऑप्शन है डी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को संभालता है? कि आप जब नेट पे सर्च करते हो तो रियल टाइम क्या चीज़ होती है? वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। जब भी आप नेट पे सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं सर्चिंग। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर टॉप लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, सेकंड लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, थर्ड लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए। और इसका तीसरा प्रोसेस होता है, वो होता है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग के माध्यम से चेक किया जाता है कि आपकी वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो एक सर्च इंजन वास्तविक में क्या काम करता है? वो वेब क्रॉलिंग भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है और सर्चिंग भी करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? तो हमें चेक करना है ऑप्शंस में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक सर्च इंजन है। पेटीएम और फ्लिपकार्ट, ये दोनों ही ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? गूगल। तो आज हमने चैप्टर 4 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना जो RSCET के एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई देंगे। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।